शिट, अब ये क्या हुआ? अरे डोंट वरी, दे मस्ट बी चेंजिंग द फेज। अभी एक दो मिनट में ही वापस आ जाएगी। तब तक एक काम करते हैं, अपने फोन से ही काम चलाते हैं। उन दोनों ने अपने फोन की लाइट ऑन कर ली और तभी लड़के ने नोटिस किया कि वो पहले से भी कहीं ज्यादा घबराई हुई है। ये क्या, तुम तो अब भी घबराई हुई हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो 13 फ्लोर्स तक मुझे अच्छा भला चांस मिला था। और वैसे भी किसी बहुत बड़े कवि ने कहा है कि जिसके मन में हो मैल, अ मोमेंट इज एनफ फॉर हिम टू शो यू द हेल। अच्छा एक बात बताओ, सिंस नाउ आई हैव वन द गेम, तो मुझे क्या मिलने वाला है? व्हाट डू यू वांट? सी, दिस कमिंग सैटरडे आई एम सिंगल एंड आई एम फ्री। ओह माय माय, The shy boy is asking me out for a date. Oh, what's wrong in that? और इतने में ही लिफ्ट की लाइट वापस आ गई। हाँ, देखा? डेट के नाम पर लाइट भी आ गई। उन दोनों के बीच के डर की जगह अब एक हल्की सी मुस्कुराहट ने ले ली थी। इससे पहले कि वो एक दूसरे से कुछ और कहते, उन्हें एहसास हुआ कि लिफ्ट रीस्टार्ट होकर वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगी है। अरे यार, अब ये पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाएगी, फिर वहां जाकर तुम सारे बटन्स प्रेस करोगी और फिर से हमें आधा घंटा लगेगा ऊपर पहुंचने में। नहीं, डोंट वरी, अब की बार नो सेफ्टी मेजर्स। अच्छा, इतना विश्वास हो गया मुझ पर? उसने उसकी इस बात के जवाब में बस मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली। वैसे आई नेवर सॉ यू हियर बिफोर। या, आई जस्ट शिफ्टेड हियर विद माय पेरेंट्स लास्ट वीक। चलो, एटलीस्ट इस लिफ्ट ने एक काम तो अच्छा किया कि आज तुमसे मिलवा दिया। एग्जैक्टली, सोसाइटी के किसी बोरिंग से कल्चरल गेट टुगेदर में मिलने से तो दिस वन इज फार बेटर। एटलीस्ट आई नो यू वेल इनफ नाउ। आह, यू नो मी नाउ, एंड व्हाट इफ आई रेप यू नाउ? उसने पास जाकर अपने दोनों हाथों से उसे घेर लिया। नो यू कांट। व्हाई सो? बिकॉज नाउ आई वेरी वेल नो हाउ टू हिट द बास्टर्ड्स बिलो द बेल्ट। And I know I have to do it by myself. वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ गए, इतने करीब कि अब उन्हें एक दूसरे की सांसें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। और धीरे धीरे उनके होंठ एक दूसरे से टकराने ही लगे थे कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई और उसका दरवाजा खुलते ही उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। फ्रीज! लड़के ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और वो खत्म हो चुका था और वो सुन्न पड़ गई थी। शायद बस यही सोच रही थी कि आखिर ये हुआ क्या। हुआ यूं था कि 3rd फ्लोर के उस अपार्टमेंट में वो जो लाइट जली थी, उसे जलाने वाले अग्रवाल जी ने लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनते ही तुरंत सोसाइटी के गार्ड ऑफिस में फोन लगाया। सिंह साहब, मैं E302 से अग्रवाल बोल रहा हूँ। यहाँ ई ब्लॉक की लिफ्ट में कुछ गड़बड़ चल रही है। मतलब सर? अरे, किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लिफ्ट अब ऊपर की तरफ निकल चुकी है। आप तुरंत पुलिस की पेट्रोलिंग वैन को फोन लगाइए। मुझे लगता है यहाँ कुछ सीरियस मैटर हो गया है। जी सर। और गार्ड सुपरवाइजर ने तुरंत पुलिस की पेट्रोलिंग वैन को कॉन्टैक्ट करके उन्हें फौरन वहां आने के लिए कहा। आज दिन भर उसे एक रेप केस की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर जो सवाल उठ रहे थे, वो अब इस एक और हादसे के साथ कई गुना बढ़ने वाले थे। शायद इसीलिए बिना किसी देरी के करीबन 5 मिनट में पुलिस वैन भी वहां पहुंच गई। आपने लिफ्ट कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक की? सर, वो लिफ्ट कैमरा कल रात से खराब पड़ा है। टेक्नीशियन को बोले थे आने के लिए, पर डैम इट, लिफ्ट को रोका आपने? जी सर।
इमरजेंसी हाल्ट दे दिया है। इस वक्त लिफ्ट 13वें और 14वें फ्लोर के बीच में है। इसे वापस ग्राउंड फ्लोर पर ला सकते हैं? जी सर, रिसेट करना पड़ेगा। डू इट फास्ट। रिसेट होते ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ आने लगी और इतने में ही इंस्पेक्टर राजवीर के फोन पर एसपी साहब का कॉल आया। राजवीर, तुमने कॉल किया था? जी सर, यहाँ पर्ल रेजिडेंसी में अटेम्प्ट टू रेप की न्यूज मिली है सर। आई थॉट आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं, हम लोग बस अभी पहुंचे हैं यहाँ। क्या बात कर रहे हो? जी सर, इट्स हैपनिंग इन द लिफ्ट। लिफ्ट को वापस ग्राउंड फ्लोर पर ला रहे हैं। वी ऑल हैव टेकन आवर गार्ड्स। गुड, याद रहे राजवीर, मुझे आज इस शहर में एक और रेप नहीं चाहिए। आप ऑर्डर दीजिए सर। फर्स्ट कंफर्म इफ इट्स ट्रू, एंड इफ इट इज, जस्ट गेट द बास्टर्ड डाउन। सर। एक गहरी सांस भरकर इंस्पेक्टर राजवीर रौठान ने खुद को तैयार किया और इंतजार करने लगा लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने का। उसके जहन में वो सभी आवाजें गूंजने लगी जिन्होंने आज दिन भर में पुलिस डिपार्टमेंट पर कई तरह के सवालिया निशान उठाए थे। वो किसी तरह अपने अंदर की उथल पुथल पर से ध्यान हटाकर लिफ्ट के खुलने का इंतजार करने लगा और लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर खुलते ही जैसे ही उसने लड़के को उस कोने में लड़की को घेरे हुए देखा। फ्रीज! He got the bastard down. A cold-blooded rapist shot dead in a high-rise society of the city. The woman is still in the trauma of rape. Now you call it the citizenship behavior of the residents of the society or spontaneity of our police force that saved the life and pride of that girl. But one thing is for sure, that whenever a woman steps out of her house to find a place in this patriarchal world, there are always some wolves, always some beasts who are waiting in the woods.